बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा आकाश में दो चमकते हुए दो बालक, सामने श्याम रंग के एक लड़का है, पीछे से एक सुंदरी लड़की एकदम गौर वर्ण की जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बड़ी सुंदर एक प्यारी लड़की देखा। और हमने देखा ये दो बालक मेरे गर्भ में प्रवेश किए, प्रवेश करते हुए फिर तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किए, और देखा तेरे गोद में एक सुंदर बालक पौधा है, और स्तन पान करते समय दोनों धार से दूध बह रहा था और दूध से इसका कपड़ा भीग रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में के लाला है। जसोदा बोली मेरी स्वप्न की बात सुन लो। बोले बोलो। बोले मैं भी स्वप्न देखा है कि बालक मेरे पीछे पीछे माँ माँ करते करते आ रहा है, और कपड़े पकड़ करके बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, भैया मेरे को दूध पिला ले। मचल रहा था, मेरे को लगा सचमुच से कोई एक बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण की, ब्रज में हला हो गया है, श्री नंद के लाला होने वाला है। बोले श्री नंद के लाला की। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अभी मैया ब्रज में जितने गोपियां थी, 6 महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखे, और जितने पुरुष लोग थे बगल बंधी धोती पगड़ी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम लोग इसको पहन करके स्वागत करने जाएंगे। अभी एक बड़ी बड़ी गोपी मैया से बोली, बोले मैया तेने कुंवारी पड़े में जुड़वा किलत नहीं खा ली थी। बोले क्यों? बोले लगता है तेरे गर्भ में दो बालक दिख रहा है। बोले फिर कैसे होगा, ये पहला बार बच्चा हो रहा है, अगर दो बच्चा आए तो माता को कष्ट होगा। बोले फिर कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, राम जो करेगा सही करेगा, चिंता मत करो। इतने में मैया जसोदा बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। बड़े सुंदर उनने खीर बनवाए और श्री सालग्राम को तुलसी पत्ते से भोग लगाए और मैया जसोदा को खीर खिलाए, और मैया जसोदा को बड़ी सुंदर सुंदर सत्संग की बात सुनाते हैं, और बड़ी सुंदर भगवान की राम और नारायण की सुंदर सुंदर फटों को मैया को सामने रख देते हैं। मैया ठाकुर जी को दर्शन करती हैं। देखो माताएं ध्यान देख रहे सुनो, कहते गर्भ में बच्चे रहते समय अगर माताएं अच्छी अच्छी ठाकुर जी की कथा सुने, प्रभु की राम कृष्ण की कथा सुने, गीता रामायण भागवत पढ़े ना, वो बच्चे को ऊपर में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर माताएं डिस्को डांस उल्टा पुल्टा पिक्चर देखना, वो बच्चा गुंडा बनकर आएगा, वो तुम्हारी बात एकदम नहीं सुनेगा। इसलिए हम जहां जहां जाते हैं दुनिया कहते बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, क्योंकि ये गर्भ संस्कार है। गर्भ में बच्चे राहत बच्चे तुम्हारे पेट में है। एक चीज को समझो, जैसे तुम तुलसी परिक्रमा कर रहे हो, पेट में तुम्हारी बच्चा वो भी तो तुलसी परिक्रमा कर रहा है ना, तुम ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो, वो बच्चा भी ठाकुर को प्रणाम कर रहा है। आप कोई चीज को दर्शन कर रहे हो, बच्चा भी गर्भ में वही चीज दर्शन करता है, हैं? आप ठाकुर जी को कथा सुन रहे हो, बच्चा भी बैठ बैठ कर तुम्हारे पेट में कथा सुन रहा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैंने इतने बड़े ज्ञानी कैसे बना, ये 5 साल उम्र में बच्चों को जो ज्ञान की बात बता रहा था। बोले कैसे? बोले मैं पेट में रहते हुए मेरी मैया ने नारद जी से ठाकुर जी की कथा सुनी, और मैं पेट में था, पेट में बैठ बैठ करके ना सब चीजों को मैंने सुन लिया, मेरे को सब कुछ याद है। इसलिए माताएं क्या करना, उल्टा पुल्टा पिक्चर नहीं देखना, भगवान की कथा सुनो, गीता रामायण पढ़ो, देखोगे लवकुश जैसे बच्चा हुआ, बड़े सुंदर बच्चे जन्म ग्रहण करेंगे। इसलिए मैया जसोदा को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं भगवान की। इसलिए मैया जसोदा हैं, अभी ऐसे लग रहा था किसी बड़ी बूढ़ी ने बताया, बोले मैया लगता है तेरे पेट में लाला जन्म लेगा। बोले कैसे पता चलता है? बोले तेरे जो होठ ना पीला पीला दिखता है। यहाँ पर शिक्षा बोलते हैं अगर तुम्हारे गर्भ में बेटा होगा, लक्षण क्या है,
कहते पेट में अगर उनकी होठ पीला पीला रंग दिखे लगना गर्भ में बेटा जन्म लेने वाले हैं। अभी मैया जसोदा नंद बाबा की एक बहन थी जिनका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना से ही आकर घर में जमकर बैठ गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती है ना, जब इसकी बच्चा होगा मेरे को नवला की हार मिलेगी। वो 6 महीना से आकर घर में बैठी गई और घर का सारे काम काज को ही कर रही थी, भाग दौड़ करते हुए वो देख रही थी घर में लाला कब होगा और मेरे को नवला की हार मिलेगी। ऐसे लग रहा था मानो आज रात को ही लाला को जन्म होने वाले हैं। गांव में 8 बजे तक सब के सब जगे रहते हैं, उसको बाद में सब सो जाते हैं। बोले एक काम करो, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 बजे तक दो दो घंटा ढोलकी मजीरा दे दो और जो माता है ना बैठ करके कीर्तन करते रहे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रानी की जय महारानी की 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 जय मेरी धारी की जय बनवारी की जय मेरी धारी की जय बनवारी की जय बन कुंज बिहारी की जय 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 बन कुंज बिहारी की जय 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 बन विनोद बिहारी की जय 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 बन विनोद बिहारी जोग माया ने आकर के सबको सुला दी। कहां ढोलकी गिरी, कहां चिमटा गिरी, कहां मजीरा गिरी, किसको कुछ पता ही नहीं चला। कब श्री वसुदेव महाराज आए, कहां से? मथुरा से आए और उन्होंने लड़का को रख करके लड़की को लेकर गए। यहाँ पर 2 बच्चे हुए, पहले कृष्ण उसके बाद में जोग माया, फिर अभी 2 कृष्ण हो गए, फिर 1 कृष्ण कहाँ गए? बोले श्री नंद बाबा का घर में जो कृष्ण जन्म लिए कहती है पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। मथुरा में जो कृष्ण ये अंश कृष्ण है, जो पूर्ण कृष्ण ने अंश कृष्ण को अपना शरीर में मिला दिया, लेकिन ये रहस्य किसको पता ही नहीं चला। इसलिए सवेरे सवेरे सुन बाकी, हाँ उसको तो चैन नहीं पड़ रही थी। क्यों? बाबा घर में अगर नंद भैया की बेटा होगा तो मेरे नवल्ला की हार मिलेगी, हाँ इसी चिंता में नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जो माया संत सुला दी, सवेरे सवेरे एकदम उसका नींद खोली। बोले भैया सबके सब सोए पड़े हुए, अभी भाभी का क्या हालत है? अभी दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलोन सा बालक पड़ रहा है और किलकारे मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया लाला की कब जन्म है गए इसको पता ही नहीं पड़ो। भैया ये खबर सबसे पहले श्री नंद बाबा को दूंगी तो मेरे को नवला की हार मिलेगी, लेकिन नंद बाबा हे कहाँ ढूंढो। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, देखा नंद बाबा बैठ करके माला जप कर रहे थे। माला जप नहीं हो पा रहा था, सोच रहे थे घर में कब छोरा होएगो, कब लाला होएगो, कब छोरा होएगो, यही जप कर रहे थे। इतने में सुनंदा ने आकर के बोल दिया, बोले भैया कमाल है गयो है, इतना बोलते ही तो मैया नंद बाबा ने छलांग लगा दी। बोले बहन ने कहा भयो है, बोले पहले ये बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले ले तू तो 6 महीना से पहले घर में आकर बैठ गई हो नवला की हार के ताई, ले ये नवला की तो हार ले ले। बोले भैया बात इतने बड़ी है ना,
जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, ये नवला की हार है? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, हैं? बात भी तो छोटी मोटी नहीं, बताओ और क्या दोगे? बोले ले जमुना किनारे में जितने जमीनी जगह तेरे नाम पर लिख दिया जा। बोले और क्या दोगे? बोले क्या, नवला का हार दे दिया, सारे जमीनी जगह तेरे नाम पर लिख दिया, तभी पेट नहीं भर रहा है? बोले भैया बात बहुत बड़ी बात है, बताओ और क्या दोगे? बोले ले तो ट्रेजरी का सारे चाबी काटे तू ले ले, जो कुछ इच्छा सब खोल करके ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहा भयो है? बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की जय। नंद बाबा सुन करके वहीं से दौड़ लगाए, जितने ब्रजवासी थे, बोले बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे, अरे कम से कम सद धज कर तो थोड़ा जा, सारे ब्रजवासी अभी एकत्रित होने वाले। तब श्री नंद बाबा को बगलबंधी धोती सुंदर उनकी पगड़ी बना दी, गले में सुंदर माला पहना दिए। बोले बाबा अभी देखो सीसा पकड़वा दिया। बोले बाबा देखो कैसे लग रहे हो? बोले भैया बहुत बढ़िया दिख रहा हूँ, लेकिन एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की? बोले दाढ़ी ना थोड़ी सी सफेद है। बोले चिंता क्यों करते, उसको भी कलर करते थे, अभी उसको भी काला बना दिया। बोले देखो अभी कैसे लग रहा? बोले चुख लग रहा हूँ। बोले जा अभी लाला के मुख दर्शन करो। नंद बाबा जब पहला बार उन्होंने लाला के मुख दर्शन की, इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, मन मन में उन्होंने बोले ब्राह्मण और संतों को 20 लाख गैया में दान दूंगो और 7 तील का पर्वत में मखमल वाले कपड़े में ओढ़ करके मैं दान दूंगा। उन्होंने ये चीज को उन्होंने संकल्प कर लिया। इन्होंने संकल्प जब की, उन्होंने बोले पहले संत और ब्राह्मण को बुलाओ, पहले उनसे हम स्वस्ति वाचन करवाते हैं। संत लोग आकर के ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करके लाला को बड़े सुंदर आशीर्वाद दियो है। उसको बाद में एक नाई को भेज दिए, बोले जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, नंद के लाला भयो है। सबके सब बधाई देने के लिए आए, जितने ब्रज की गोपियां थी ना, 84 गज की लहंगा चुंदरी 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके सबके सब बधाई देने के लिए आ रही थी। आते समय कान में जो कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। मानव कुंडल ये बता रहा था, तुम पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, पहले नंद लाला को हम पहले स्वागत दे। चोटी में जो सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करके रखी थी, एक एक फूल इनके चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो लोग नंद लाला को बधाई देने जा रही हैं, उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर हम चोटी में रहेंगे, ये तो खोल करके उसको बहा देंगे पानी में। अगर ये ब्रज रज में मिली जाएंगे, जब लाला बड़े होकर के गली गलियों में ठुमुक ठुमुक करके चलेगा, इनकी चरण की स्पर्श हमें मिलेगी। जितने गोपियां थी ना, मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो जितने गोपियां, ध्यान देकर सुनो, जितने यहाँ गोपियां बैठे हो, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, ठीक है? जितने गोपियां थी मैया जसोदा से बोले, बोले मैया जसोदा बधाई हो। क्या आज कोई व्रत रखे हो? देखना गांव में लड़ाई होगा ना, देखना इस कोना में लड़ाई हो, उसी कोना तक पता चलता है आज इसी घर में लड़ाई हो रही है। तुम बोल रहे हो वहां से, मेरे तो कोई सुना नहीं पड़ रहा। आज व्रत है कोई ना, क्या व्रत है? तो फिर जोर से बोलो, बोले मैया जसोदा बधाई हो, बोले बधाई हो, बधाई हो मैया जसोदे, हैं मैया, बोले बधाई हो ब्रज गोपियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है। लाला मेरो नहीं, लाला तो तुम लोगों की लाला है। और जितने गोपियां थी ना, सबके सब अपना हृदय से लाला को बधाई दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया, बोलो तेरो ललना जुग जुग जी मेरी सोना मैया।
सोना सो सुख के